So hello everyone, my name is Anil Sharma and I welcome you all to our YouTube channel. So students, अब लोग standard 12 का हेलो अल्केंजालर इन चैप्टर करीबन खत्म करने पे आए हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बाकी है, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट. और बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, दो ईयर स्टडी इन 11, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा है. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम, आईयूपीएसी दोनों हेलो अल्केंजालर हेलोरेंस के लिए हम लोग करने वाले हैं. तो एंड तक वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है. आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में अल्काइल हैलाइड्स का कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं और एराइल हैलाइड्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो लेक्चर. ठीक है, एज आई सेड, मेरा नाम है अनिल शर्मा और आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लेक्चर बनाने की ट्राई करता हूं. Let's start with the common name of alkyl halides. Alkyl halides, halogen compounds के common name start करते हैं. चलिए, तो common name किस तरह से हम लोग देंगे, बहुत सिंपल है. Alkyl word separate लिखेंगे, halides word separate लिखेंगे, दोनों separately indicate करते हैं. ठीक है, तो R X होता है आपके अल्काइल का फॉर्म, एक्स होता है आपके हैलाइड का फॉर्म. अल्काइल मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल व्हाटएवर, वो अल्काइल का फॉर्म होता है. एक्स जो होता है वो आपके हैलाइड का फॉर्म होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसका नेम देंगे तो स्टार्टिंग अल्काइल से ही करेंगे. पहला वर्ड आएगा अल्काइल, ठीक है, बीच में थोड़ा सा गैप, दो वर्ड सेपरेट है इसलिए, और नेम हो जाएगा अल्काइल हैलाइड्स. सिंपल, ठीक है, जैसे मिथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड एक्सेट्रा. ठीक है, CH3Cl इसका नाम क्या है, तो यू नो वेल मिथाइल क्लोराइड, बहुत ही आसान सा नाम है ना, ये मिथाइल क्लोराइड. CH3CH2Br हो सपोज, CH3CH2Br दो कार्बन, सो ये हो जाएगा आपका इथाइल ब्रोमाइड. तो काफी आसान सा नेम, लेकिन थ्री और मोर देन थ्री कार्बन आते हैं तो वहां पे नेम थोड़ा चेंज हो जाएगा. पहला पार्ट है थ्री और मोर देन थ्री कार्बन में, अगर हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होता है, प्राइमरी कार्बन से, तो वहां पे हो जाएगा एन आइसो और नियो, तीन चीजें. प्राइमरी कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होता है, क्लियर, हैलोजन अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, हैलोजन एक्स अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन, ध्यान से समझना, एक्स अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम. तो वहां पे तीन फॉर्म होते हैं, थ्री फॉर्म कौन से होंगे, पहला या तो सारे कार्बन स्ट्रेट चेन होते हैं और हैलोजन कनेक्टेड होता है, तो ये प्राइमरी कार्बन हो गया, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एन अल्काइल हैलाइड. ठीक है, एन अल्काइल हैलाइड, ओके, या फिर इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो. हैलोजन प्राइमरी से ही कनेक्टेड होता है, लेकिन अगर लास्ट सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पे हैलोजन होगा, ये आपका 1 डिग्री, लेकिन उसके बाद का जो कार्बन है वो अगर 2 डिग्री हो, 2 डिग्री का हैलोजन पे, और वापस उससे मिथाइल ही, हा ओनली मिथाइल, इथाइल भी नहीं, ओनली मिथाइल, लास्ट सेकेंड कार्बन एटम पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो वो होता है आपका आइसो अल्काइल हैलाइड, चीज याद रखना, आइसो अल्काइल हैलाइड. ठीक है, और तीसरा पार्ट है कि अगर कार्बन प्राइमरी ही हो, 1 डिग्री कार्बन, हैलोजन 1 डिग्री कार्बन से अटैच हो, लेकिन उसके बाद का लास्ट सेकेंड कार्बन हो, वहां पे अगर दो मिथाइल ग्रुप आ जाए उसके बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे, हैलोजन का कार्बन प्राइमरी ही होता है लेकिन उसके बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप आ जाए, तो वो हो जाएगा नियो ग्रुप, नियो अल्काइल हैलाइड, कुछ इस तरह से आप नाम देंगे. ठीक है, ये पहला केस है.
मोर देन थ्री कार्बन एटम हो तो कॉमन नेमिंग है। दूसरा केस है कि प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन से हैलोजन अटैच हो तो, राइट right? तो यहां पे हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का नेचर क्या है, तो तीन होंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्वार्टरनरी का पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें, वहां पे हैलोजन कनेक्टेड नहीं होता है। तो प्राइमरी अगर ये मान लीजिए कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, ये प्राइमरी कार्बन हो गया। अब मैं ऐसे लिख दूं मान लीजिए एक्स, तो ये सेकेंडरी कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट होता है। और तीसरा अगर मान लीजिए कि यहां पे हैलोजन लिख दो तो ये थ्री डिग्री कार्बन एटम पे हैलोजन आ गया थ्री डिग्री, ठीक है। तो इसका नाम कैसे देंगे, तो वन डिग्री और एन दोनों सेम ही होता है उसमें कोई चेंज नहीं है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे टू डिग्री अल्काइल हैलाइड नेम दे सकते हो या फिर आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नाम दोगे। अगर थ्री डिग्री है तो आप थ्री डिग्री अल्काइल हैलाइड नेम दे सकते हो या फिर इसका नाम टर्ट, टर्शरी का टर्ट अल्काइल हैलाइड होगा। तो आपको ध्यान से नेमिंग करना है कि प्राइमरी कार्बन हो, ठीक है, तो उसमें तीन केस आएंगे एन आइसोनियम, तीनों में हैलोजन वाला कार्बन प्राइमरी ही होता है, यहां पे भी हैलोजन वाला कार्बन प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी कार्बन पे अगर लास्ट सेकंड कार्बन प्राइमरी के भी बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे मिथाइल होता है तो वो आइसो हो जाएगा, और उसके बिल्कुल बगल वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप होंगे तो वो नियो हो जाता है। अगर हैलोजन का कार्बन प्राइमरी हो तो एन और प्राइमरी तो दोनों सेम ही होंगे, लेकिन अगर हैलोजन वाला सेकेंडरी आ गया तो वहां पे हम लोग सेकेंडरी डालेंगे, आइसो यूज नहीं करेंगे। और अगर हैलोजन वाला कार्बन प्राइमरी है तो नहीं हो, लेकिन वो टर्शियरी हो गया, हैलोजन वाला कार्बन टर्शियरी होगा तो वो थ्री डिग्री हो जाएगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये कॉमन नेम सिस्टम में आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन नोट करना, मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से समझो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन प्रोपाइल ग्रुप का आता है, प्रोपाइल ग्रुप में सिर्फ एन और आइसो दो ही आते, नियो पॉसिबल नहीं होता। प्रोपाइल ग्रुप में तीन कार्बन लाइन में होंगे और हैलोजन कनेक्टेड होगा तो वो हो जाएगा एन अल्काइल हैलाइड या फिर वन डिग्री अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर प्रोपाइल ग्रुप में हैलोजन कुछ इस तरह से अटैच हो, यहां पे हैलोजन और ये वाला कार्बन यानी टू डिग्री कार्बन पे, तो इसे आप सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हो, लेकिन इसको लेटेस्ट आईयूपीएसी रिकमेंडेशन के हिसाब से सेकेंडरी निकाल के इसे आइसो, आइसो दे दिया है, यानी ये एक एक्सेप्शनल चीज आपको याद रखनी होगी। तो ये हो जाएगा आपका आइसो अल्काइल हैलाइड, सिर्फ प्रोपाइल में ही ऐसा है, ओनली इन प्रोपाइल, ठीक है, ओनली इन प्रोपाइल, सिर्फ एक्सेप्शन आपको याद रखना। अच्छा मान लीजिए कि गलती से टू डिग्री भी लिख दिया तो कोई रॉन्ग देने वाला नहीं है, ये सही ही गिना जाता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं, टू डिग्री कहीं पे भी नहीं देख सकते हो, इट इज आइसो अल्काइल हैलाइड ओनली, ठीक है। और तो काफी सारे नेमिंग आप कर सकते हो, मान लीजिए कि मैं आपको नेम दे देता हूं कुछ इस तरह से, CH3 CH2 कॉमन नेम ही, फिलहाल हम लोग कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, CH3 और ये CH। चलो नाम क्या आएगा, तो हेलोजन का कार्बन जो है वो देखो, हेलोजन का कार्बन टू डिग्री आ गया, यानी मुझे ये केस देखना है, अगर वन डिग्री होता तो ऊपर का केस देखता, ये टू डिग्री आ गया इसलिए इसे बोलेंगे सेकेंडरी। कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन यानी ब्यूटाइल क्लोराइड, आसान सा नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। अगर इस तरह से लिख दे CH3 CH3 और यहां पे Br डाल दू तो ये प्रोपाइल ग्रुप आ गया, देखो प्रोपाइल ग्रुप है ना, सेकेंडरी कार्बन पे Br, तो इसे हम लिखेंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है, यू कैन से लाइक दैट। सपोज ऐसे हो CH3 CH2 CH2 CH3 सॉरी CH2X मान लीजिए के CH2 के साथ आयोडीन ग्रुप दे दिया। अब आयोडीन वाला कार्बन वन डिग्री है, वन डिग्री यानी ये वाला केस देखेंगे,
इसमें अगर सारे स्ट्रेट चेन है तो N डाल देंगे, तो ये हो जाएगा N ब्यूटाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल आयोडाइड, हो गया, समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए पांच कार्बन ले लेता हूं, CH3, CH2, 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 F, ऐसा कुछ है। वन डिग्री, अगेन वन डिग्री, यानी ये वाला केस देखेंगे, सब स्ट्रेट चेन है इसलिए N वर्ड यूज करेंगे। ये हो गया आपका N पेंटाइल फ्लोराइड। अच्छा इसका एक और नेम भी है, इसे N पेंटाइल की जगह अमाइल वर्ड भी इसके लिए यूज किया गया है, N अमाइल फ्लोराइड, अमाइल यानी पेंटाइल की जगह अमाइल लिखा होगा तो भी वो करेक्ट है, वो आप कॉम्पिटिटिव में ध्यान से देखना नेमिंग के वक्त। मान लीजिए कि सेकेंडरी कार्बन पे डाल दू CH3, CH2, CH, यहां पे मैंने फ्लोरीन डाल दिया CH3 और CH3, तो ये थ्री, नॉट सेकेंडरी, थ्री डिग्री कार्बन, थ्री डिग्री यानी नेचर ऑफ कार्बन देखना है, थ्री डिग्री आ गया यानी टर्शियरी हो गया, तो इसे आप लिख सकते हो टर्ट पेंटाइल फ्लोराइड, या फिर पेंटाइल की जगह एज आई सेड एमाइल लिखोगे तो भी चलेगा, इट्स नॉट नेसेसरी, थ्री डिग्री तो भी चलेगा। मान लीजिए अगर ऐसा लिख दो, वन टू थ्री फोर फाइव, अच्छा इस तरह से है, और यहां पे मैं बीआर डाल देता हूं, ठीक है, तो ब्रोमीन वाला कार्बन है वन डिग्री, वन डिग्री कार्बन है यानी मुझे ये केस देखना है, वन डिग्री कार्बन, अच्छा वन डिग्री कार्बन में लास्ट सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, लास्ट सेकंड है यानी आइसो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आइसो अमाइल ब्रोमाइड, आइसो अमाइल ब्रोमाइड, ये पूरा कॉमन नेम सिस्टम कुछ इस तरह से आपके चलने वाली है, ठीक है। पॉज करके अच्छी तरह से लिख दो, फिर हम उसके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे जाते हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो बुक में। चलिए तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। एक चीज याद रखना कि जब हम लोग आइसो नियो लिखते हैं तो आइसो और नियो के बीच में हाइफन साइन नहीं आएगा डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आइसो नियो पेंटाइल लिखना है, सॉरी आइसो पेंटाइल क्लोराइड, तो ये आइसो पेंटाइल क्लोराइड ऐसा लिखेंगे, यहां पे कोई हाइफन साइन नहीं आएगा, या फिर नियो लिखना है तो नियो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, कुछ इस तरह से हम लोग ले सकते, पेंटाइल सॉरी। सिर्फ N, उसके बाद हाइफन साइन आएगा, सेकेंडरी के बाद आता है, टर्शियरी के बाद आता है, थ्री डिग्री या टर्शियरी जो भी हो, उसके बाद हाइफन साइन आपको यूज करना है, ये चीज आप नोट करते हैं, ठीक है। साइक्लो, इवन साइक्लो के बाद भी हम लोग कोई हाइफन साइन नहीं लिखेंगे, साइक्लो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आता है तो विल सी लेटर, सिर्फ यहां पर देख लेते हैं। Now, how can we give the IUPAC nomenclature of halogens? पहले हम लोग halogens की बात कर रहे हैं, we are talking about halogens. IUPAC nomenclature कैसे देंगे? Halogens की. चलिए, number one, first of all, हम यूज करेंगे वर्ड हेलो alkanes और दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रखनी है. क्लोरोमिथेन क्लोरोइथेन डायरेक्टली, जैसे अल्काइल हैलाइड में बीच में गैप रखते थे, अल्काइल अलग वर्ड है, हैलाइड अलग वर्ड है, यहां पे दोनों पूरा एक ही वर्ड है, हेलोअल्केन्स पूरा एक ही वर्ड, क्लियर, हेलोअल्केन इज अ सिंगल वर्ड, इसलिए यहां पे हम लोग कोई भी गैप नहीं रखेंगे, ये पहला वर्ड। दूसरा, मान लीजिए कि लॉन्ग चेन भी है और उसमें ब्रांचिंग भी है, लॉन्ग चेन, तो आप क्या रूल करोगे, आपको पता है इलेवेंथ में आपने देखा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कंटेनिंग मैक्सिमम साइड चेन, या फिर कंटेनिंग मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट, जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट होता है, या फिर मैक्सिमम साइड चेन होती है, ठीक है, ऐसे कोई चेन मिल। थर्ड वन, नंबरिंग दे दो, लोएस्ट सेट ऑफ लोएस्ट लोकेट रूल, ठीक है, सेट ऑफ लोएस्ट लोकेट रूल, नंबर कहां से देंगे, तो जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, क्लियर, सो नंबर, नंबरिंग ऑफ कार्बन इज डन, नंबरिंग ऑफ कार्बन इज डन, सच दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट लोकेन,
गेट द लोएस्ट लोकेंट, उसे लोएस्ट लोकेंट मिलता है। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट हो तो दोनों में से ऐसे सब्स्टिट्यूट इरिस्पेक्टिव, यानी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, तो ऐसे एंड को सिलेक्ट करो जहां से किसी भी सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट नंबर मिला हो, चाहे मिथाइल क्लोरो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। यहां पे हैलोजन कंसीडर नहीं करना है, यहां पे सब्स्टिट्यूट कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल आपको देता हूं, CH3 बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है, नहीं टाइम, चलिए कोई बात नहीं, तो उसका नंबर एक में यूज कर लेंगे। मान लीजिए कि ऐसा कुछ है CH3 CH2 CH CH3 CH CL CH2 CH2 CH3, तो सेट ऑफ लोएस्ट प्रोपेन के हिसाब से। अच्छा, यहां से भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हम लोग यहां से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए पहले वाले में जो सेट है वो कौन सा है, थर्ड पे है, फिफ्थ पे है और सिक्स पे, थ्री पे है, फाइव पे है, सिक्स पे है। दूसरे वाले में फोर पे है, फाइव पे है और सिक्स पे, फोर पे है, फाइव पे है, सिक्स पे है। तो लोएस्ट वोकेंट के हिसाब से हम लोग यहां पे देखेंगे तो ये थ्री हो जाएगा, ये फोर है, यानी ये जीत गया, जो लोएस्ट है वो जीत गया, यानी काउंटिंग यहां से करेंगे, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अलाइज, जो चाहे कोई भी हो, हैलोजन हो या मिथाइल, हमें सब्स्टिट्यूट जो है उसका लोएस्ट वोकेंट लेना है। तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल और मिथाइल और क्लोराइड। अच्छा, किसका नेम पहले देंगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है, तो क्लोराइड का सी पहले आता है और मिथाइल का एम बाद में, तो पहले क्लोरीन का देंगे, यानी ये पहले ग्रीन पार्ट निकाल देते हैं क्योंकि ये रॉन्ग नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है, इसका नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगा, इसे मैं निकाल देता हूं। चलिए अब सिक्स पे क्लोरीन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा सिक्स क्लोरो। दो मिथाइल ग्रुप है, अगर सेम ग्रुप हो और उसमें भी दो तीन चार हो तो हम लोग प्रेफिक्स यूज करेंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्स, जो भी, लेकिन नेमिंग देखते वक्त अल्फाबेटिकली डाई, ट्राई, टेट्रा प्रेफिक्स यूज नहीं करना है। मैंने यहां पे मिथाइल का एम देखा, दो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल होता है, लेकिन डाई का डी नहीं देखा, मिथाइल का एम यहां पर यूज किया, राइट। तो थर्ड और फिफ्थ दोनों पे मिथाइल ग्रुप है, यानी 3.5 डाई मिथाइल, ठीक है, हो गया। अब कितने कार्बन है, 9 9, यानी 9 नेम, ये हो गया आपका नेम, ठीक है। इस तरह से आप उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। एक बढ़िया सा इंटरेस्टिंग केस देता हूं, एक इंटरेस्टिंग आपको केस दे रहा हूं, चलिए मान लीजिए कुछ ऐसा है CH3 CH2 CH Br CH2 CH CH3 CH2 CH3। अब ये बढ़िया सा इंटरेस्टिंग केस है, क्यों, क्योंकि देखो यहां से मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे सब्स्टिट्यूट कहां पे मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है और फिफ्थ पे पोजीशन पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूट, क्लियर। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे मुझे थर्ड पे मिल रहा है, ये थर्ड वाला पार्ट और ये फिफ्थ वाला पार्ट, ये तो पंगा हो गया, यहां से भी 3.5 है, यहां से भी 3.5 है, क्लियर। इस साइड से देखोगे तो भी 3.5 है, और अगर आप इस साइड से देखोगे तो भी 3.5 है। कौन सी साइड सिलेक्ट करेंगे, साइड ऐसे सिलेक्ट करेंगे जहां से हम लोग सब्स्टिट्यूट का पहला नेम देते हैं, फर्स्ट नॉमेनक्लेचर एज पर द अल्फाबेटिकली। ये होता है ब्रोमो और ये होता है मिथाइल, यानी जब इक्विवेलेंट पोजीशन पे दोनों साइड में से इक्विवेलेंट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट आ जाए तो ऐसी साइड से नंबरिंग देना है जहां से हम लोग नेमिंग में उस सब्स्टिट्यूट का पहला नाम देंगे, नेमिंग में। तो यहां पे ब्रोमो का पहला नाम देंगे, यानी नंबरिंग इस साइड से हम लोग करेंगे, यहां से 1 2 3, तो यह हो जाएगा 3 ब्रोमो। अब फिफ्थ पे 5
मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ये वाला हम लोग करेक्ट करेंगे, ये नहीं कंसिडर करेंगे। ये कुछ ऐसे रूल्स आप याद रख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसा है, सी एच थ्री है, सी एच है, सी एल है, सी एच टू है, सी एच है, सी एच थ्री है, सी एच टू है, सी एच थ्री है। चलिए इसका रिंग बहुत इजी है, बहुत इजी, ये आसान है। वन टू थ्री यहां से काउंट करेंगे, सेकंड आता है यहां पे काउंट करेंगे तो थर्ड आएगा, वन टू थ्री फोर, बहुत ही आसान है। चलिए इसका नेम क्या देंगे, बहुत इजी है, थ्री क्लोरो, सॉरी टू क्लोरो। ठीक है, थ्री फोर, फोर मिथाइल हेक्सेन। क्लियर, एक और देता हूं, चलो एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच, मान लीजिए यहां पे सी एच टू सी एच थ्री दे देते हैं ब्रांचिंग में, सी एच टू सी एच, मान लीजिए यहां पे मैं सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री दे देता हूं। ठीक है, और यहां पे हम लोग लिख देते हैं मान लीजिए के सीएल। ओके सीएल, लॉन्गेस्ट चेन रूल, पहले तो लॉन्गेस्ट चेन रूल कर लो, यहां पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन रूल करने वाले, तो विच इज द लॉन्गेस्ट चेन, ऑफकोर्स यहां से काउंट करेंगे पूरा, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज योर कंप्लीट लॉन्गेस्ट चेन। ओके, अब यहां से काउंट करेंगे तो वन टू और थ्री पे आता है, फोर और फाइव, यहां से काउंट करेंगे वन टू थ्री और फोर पे आ रहा है, यानी काउंटिंग यहां से लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसा होगा। नेम तो आसान है, बहुत ही आसान है, राइट, फाइव क्लोरो थ्री मिथाइल ऑक्टेन, हो गया नेम रेडी। तो ये सारे आईपीसी नॉमिनेशन कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, इसको पॉज करके छाप लो, और बढ़िया से इंटरेस्टिंग केस ले रहा हूं मैं, ये इंटरेस्टिंग से केस है, यहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला बार क्विक, सी एच सी एल थ्री सी सी एच, अरे भगवान यहां पे तीन सी एल है, एक दो और ऊपर तीन, तीन सी एल है और सी एच थ्री, आई गेस दिख रहा है ये कलर के, मार्कर चेंज कर दो, वॉट कैन यू से, आई चेंज इट, आई विल चेंज इट, यहां पे थोड़ा दिक्कत होगा देखने में, तो चेंज कर देते हैं, यहां पे है आपका सीएल। ठीक है, ये सी, ये सीएल, ये सीएल और सीएच, तीन क्लोरीन ग्रुप है यानी ट्राई क्लोरो, तो यहां पे क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे वन और टू, फर्स्ट पोजिशन पे तीन क्लोरीन ग्रुप है, इसलिए वन कॉमा वन कॉमा वन ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो इथेन, बढ़िया नेम है ना, टिपिकल से नेम, यहां पे मैं टिपिकल से नेम लेके आया, ध्यान से देखो और नेमिंग दो, नेक्स्ट वाला खुद से ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो, पॉज करके, हो गया, चलो देखो यहां से वन टू थ्री, यहां से वन टू थ्री कहीं से मिलो, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, ये फोर ही होती है, यानी ये साइड चेन हो जाएगा, क्यों, लॉन्गेस्ट चेन यहां पे मुझे स्ट्रेट मिल रही है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट चेन, यहां से गलती से भी नीचे मत ले लेना, नहीं तो चार कार्बन हो जाएंगे, हमें तो पांच कार्बन वाली चेन चाहिए, सो इट्स वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री पे आयोडीन भी है, मिथाइल, आयोडो मिथाइल, तो ये हो जाएगा, सॉरी हाँ वन टू, ये सी एच टू है, सॉरी हाँ बेटा, हो जाएगा, चलो थर्ड कार्बन पे आयोडो मिथाइल। ठीक है, ये है आपका आयोडो मिथाइल पार्ट, और ये थर्ड कार्बन पे हो गया, अब स्ट्रेट चेन वाला पार्ट यानी हो जाएगा ये पेंटेन, सिंपल सी चीज है ना, इसे बोला जाता है आयोडो मिथाइल ग्रुप, मिथाइल आयोडो मिथाइल। ठीक है, यहां पे देख लो ध्यान से, ट्राई करो खुद से, नेम आसान है, आप इसका नेम आसानी आसान तरीके से दे सकते हो, क्लियर, क्या होगा नेम देखो ध्यान से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये साइड चेन पे चला जाएगा, चलो हो गए खत्म। अब कौन से कार्बन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर कार्बन पे यानी फोर फ्लोरो इथाइल, चलिए अब स्ट्रेट चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन यानी हेप्टेन, नाम
खत्म। यानी आप जो सोच रहे हो ना उतना डिफिकल्ट नेमिंग नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन रूल यहां पे अप्लाई करना है। चलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं। साइक्लिक ये है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन है लेकिन यहां पे दो क्लोरीन, सॉरी एक क्लोरीन और मिथाइल। अच्छा अल्फाबेटिकली कौन सा आता है, क्लोरो पहले आता है, यानी नंबरिंग देंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5। तो ये नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। हो गया ना। लेकिन किंतु परंतु भैया यहां पे एक और चीज नोट करने जैसी है। अगर यहां पे मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देता हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमोरिज्म कराने वाला वहां पे आएगा, या फिर 11th में आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो देखेंगे, मैं आपको करा दूंगा, डोंट वरी। इसको मैं आधा डिवाइड कर देता हूं, तो ये पार्ट सेम है लेकिन हाइड्रोजन ऑपोजिट है, यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमोरिज्म शो करेगा। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हो गया, अगर सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होता है वो ट्रांस हो जाता है, यानी आधा काट दो, बीच में से उसे उड़ा दो, प्लेन पास कर दो आधा काट के। अब देखो ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सेम है, नहीं है सेम, ये पार्ट सेम, लेकिन उसका एक ग्रुप सेम है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट है ना। ये सॉलिड वेज है और ये डॉटेड लाइन है, क्लियर। सॉलिड वेज प्लेन के बाहर आ रहा है, यानी कैसा है पता है, एक हाइड्रोजन यहां पे है, दूसरा हाइड्रोजन पीछे है, ठीक है, एक हाइड्रोजन पीछे, एक साइड पे है और एक पीछे, ये पूरा पेंटाइल ग्रुप हो गया आपका, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे, ऑपोजिट हो गया, यानी ये हो जाता है ट्रांस। इसलिए ट्रांस बी नाम देके कर सकते हैं, ट्रांस 1 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन है ना। चलिए यहां पे आएंगे, देखो आराम से टाइम ले लो, कोई इश्यू नहीं है, सोचो थिंक करो और बताओ इसका नेम क्या आएगा जल्दी से। आईपीएसी रूल्स में आपने ये पढ़ा ही होगा, ठीक है। देखो ये है आपका साइक्लोप्रोपेन, बहुत ही सिंपल सी चीज साइक्लोप्रोपेन है। अच्छा प्रोपेन यानी तीन कार्बन है, 1, 2, 3, क्लियर। यहां पे हम लोग नंबरिंग यहां से सपोज सीएल के कार्बन से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब इस तरह के का केस आता है तब आपको देखना है साइक्लिक में कितने कार्बन है और साइक्लिक के बाहर कितने कार्बन है। जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, उसे स्ट्रेट चेन ले लो और दूसरे वाले को साइड चेन ले लो। अगर साइक्लिक में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है तो वो स्ट्रेट चेन हो जाएगी और साइक्लिक कार्बन के साथ जो भी जुड़े होंगे वो सब्स्टिट्यूट, लेकिन अगर बाहर की चेन लॉन्ग चेन हो गई तो साइक्लिक वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा। तो यहां पे 7 कार्बन है इसलिए ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी, साइक्लिक वाला पार्ट सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, और जब सब्स्टिट्यूट आता है तो ए एन ई को रिप्लेस करके वाई एल डाल देते हैं, ए एन ई को रिप्लेस करके वाई एल डाल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहां पे 3 है, यहां पे 7 है, ये ज्यादा है इसलिए स्ट्रेट चेन, ये साइड चेन को वाई एल डालते हैं अल्काइल, तो ये साइक्लोप्रोपाइल। अब देखो 1 पे क्लोरो है, 4 पे ब्रोमो, नाम के हिसाब से क्या आ जाएगा पहले, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले, फिर क्लोरो, फिर प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है ना, साइक्लोप्रोपाइल का पी लास्ट में, तो ये हो जाएगा 4.4 डाई ब्रोमो 1 क्लोरो 5th पे साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। 7 है यानी हेप्टेन, आसान है, बहुत आसान है, ये सारे केस याद रखना, ठीक है। साइक्लिक वाला पार्ट वगैरह 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 आपको सारी चीजें याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए यहां पे आ जाते हैं, एक और साइक्लिक वाला दे दूं, चलो एक और कर लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा है 1, 2, 3 एग्जाम, यहां पे मैं CH2 CH2 Cl डाल देता हूं। अब मैंने क्या बोला, दोनों में देखो साइक्लिक जो है इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पे कितने, 1, 2 है ना, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन आपका पार्ट मेन चेन, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन रखेंगे। इसका नेम क्या रखेंगे, तो 1 पे ठीक है, 2nd पे क्लोरो ग्रुप है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे 2nd पे क्लोरो, तो 2 क्लोरो इथाइल साइक्लोहेक्सेन है ना, नेमिंग कुछ ऐसा आएगा। हा सर ठीक है, तो इसमें ये साइड चेन आ जाएगा क्लोरो इथाइल, ये क्लोरो इथाइल हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन, क्लोरो इथाइल साइक्लोहेक्सेन।
सेकंड कार्बन पे आएगा क्योंकि डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कैसे अटैच नहीं है, इस तरह से, ठीक है, टू क्लोरो इथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां पे आ जाओ, क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो फ्लोरो, क्लोरो सी, क्लोरो एफ, सी एफ सी, सी पहले आएगा अल्फाबेटिकल, इसलिए वन टू, ठीक है, ये तो आसान है, ये तो आसान है, बहुत आसान है। इसका नेम कैसा देंगे आप, फर्स्ट पोजिशन पे क्लोरो है, दो क्लोरो है, वन कॉमा वन डाई क्लोरो, टू फ्लोरो, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन, बहुत ही आसान है। सेवंथ वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, सेवंथ वाला ध्यान से देखो, सेवंथ नेमिंग ध्यान से देखो क्या आएगा, नेमिंग सोचो किस तरह से करेंगे, हो गया, हो गया, अब देखो ध्यान से क्या आपने क्या है, वो राइट है या रॉन्ग है, कंपेयर करते हैं। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रेट चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है, क्या और कोई स्ट्रेट चेन बड़ी हो सकती है, क्या इससे भी बड़ी स्ट्रेट चेन कोई बन रही है, देख लो, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हो गई, एक और पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, यहां से गिनो, वन ये कार्बन, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये सेवन, सेवन होगी, अभी तक सिक्स थी राइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहां से भी सिक्स थी, ये भी सिक्स थी, लेकिन यहां से अगर काउंट करेंगे ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन हो गया, सेवन हो गया है ना, तो पॉसिबिलिटी देख के आपको करना है स्ट्रेट चेन कौन सा है। अब देखो ये क्लोरोमिथाइल हो गया, ये ब्रोमो इथाइल हो गया, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो ब्रोमो इथाइल, तो बी का पहला आएगा फोर्थ पोजीशन पे, फोर ब्रोमो इथाइल, ठीक है, मैं काउंटिंग यहां से भी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन ये देखो यहां पे मिथाइल ग्रुप साइड चेन पे आ गया, इसलिए मैंने यहां से सेकंड कार्बन पे, चलिए फोर पे ब्रोमो इथाइल, फिर थ्री पे क्लोरो मिथाइल, ठीक है, फिर सेकंड पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप हेप्टेन, ये आपका पूरा नेम हो गया, ठीक है, पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इस तरह से देते हैं, सारे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एक बार अच्छे से देख लो, और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे डाई, अभी तक लास्ट जो हमने किया ना सेक्शन, वो पूरा मोनो हैलोजन कंपाउंड, मोनो यानी अगर एक ही हैलोजन ग्रुप हो, मान लीजिए कि एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन ग्रुप है, यानी डाई हैलो कंपाउंड। अब जो हम करने वाले हैं वो है डाई हैलोजन कंपाउंड्स, डाई हैलोजन कंपाउंड्स, चलिए डाई हैलोजन कंपाउंड्स में दो कैटेगरी होती है, इसमें यहां पर मैं डाल देता हूं, चलो डाई हैलोजन कंपाउंड उसमें दो कैटेगरी होती है, ठीक है, सेपरेटली लिख देते नो प्रॉब्लम, चलिए पहले पहले अल्काइलिडिन अल्किन, सॉरी हैलाइड, अल्काइलिडिन हैलाइड, ठीक है, ये चीज, और दूसरी चीज होती है अल्काइलिन हैलाइड्स, अल्काइलिन हैलाइड्स और अल्काइलिन हैलाइड्स। अच्छा अल्काइलिन हैलाइड्स किसे बोलते हैं, दो कार्बन एटम होते हैं, मान लीजिए कि कुछ इस तरह, या दो से ज्यादा, तीन चार जो भी है, अगर सेम हैलोजन कंपाउंड एक ही कार्बन पे आता है, सेम कार्बन पे आता है, सेम हैलोजन कंपाउंड ऑन सेम कार्बन, हैलोजन ऑन द सेम कार्बन एटम, हैलोजन ऑन द सेम कार्बन एटम, तो वो हो जाता है अल्काइलिडिन, वो हो जाता है अल्काइलिडिन। मान लीजिए कि यहां पे मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, अगर दो हैलोजन कंपाउंड बिल्कुल अगल बगल कार्बन पे होते, बिल्कुल नेक्स्ट वाले एडजेसेंट कार्बन, अगल बगल, बीच में कोई गैप नहीं, बिल्कुल बाजू वाले कार्बन, यानी एक यहां पे है तो एग्जैक्टली उसके बाजू में दूसरा सिमिलर हैलोजन आया हो, अगल बगल कार्बन पे सेम हैलोजन ग्रुप आता है, सिमिलर हैलोजन ग्रुप ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो वो अल्काइलिन हैलाइड्स होता है। अच्छा अल्काइलिन हैलाइड्स को जेमिनल हैलाइड्स भी बोला जाता है,
ये इसका कॉमन नेम हो गया। अगर इथाइल दो कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, तो उसका नेम देंगे इथाइलिडिन। अगर तीन कार्बन है तो प्रोपाइल होता है, प्रोपाइलिडिन। अगर चार है तो ब्यूटाइलिडिन। ठीक है, सेम है यहां पे, अगर दो कार्बन है तो हम इथाइलिन बोलेंगे, तीन है तो प्रोपाइलिन बोलेंगे। ये कॉमन नेम सिस्टम है जो मैंने बताया कॉमन नेम। अच्छा, इसे विसिनाल डायहैलाइड्स भी बोलते हैं, विसिनाल डायहैलाइड्स, जेमिनाल डायहैलाइड्स एंड विसिनाल डायहैलाइड्स, ये भी बोला जाता है। ठीक है, कॉमन कॉमन। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कि कुछ ये है CH2, यहां पे Cl, सॉरी CH, यहां पे Cl। ठीक है, इसका नेम क्या आ जाएगा? तो जैसे मैंने बताया दो कार्बन है तो इसको अल्काइल में इथाइल वर्ड डाल दो, ये हो जाएगा इथाइलिडिन डाइक्लोराइड्स। ठीक है, इथाइलिडिन डाइक्लोराइड हो जाएगा ये। क्लियर, सिंपल है। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, CH2, CH3, CH2, CH, यहां पे Cl, यहां पे Cl, दो क्लोरीन है, प्रोपाइल ग्रुप है, ये हो जाएगा प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड्स, एक प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड्स। लेकिन ये जो प्रोपाइलिडिन है इसमें सारे कार्बन स्ट्रेट चेन है, इसलिए इसे एन प्रोपाइल लिडिन डाइक्लोराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जेमिनाल हैलाइड्स। ठीक है, इसे जेम हैलाइड्स भी बोला जाता है, जेम हैलाइड्स। ठीक है, सारे जेम हैलाइड्स। मान लीजिए आइसो ग्रुप है, यानी कुछ ऐसा डाल देता हूं CH3, ये Cl, ये Cl, अगेन ये प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन आइसो हो जाएगा, प्रोपाइल राइट, 1, 2, 3 प्रोपाइल ग्रुप है लेकिन ये आइसो ग्रुप हो जाएगा, इसलिए इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड। ठीक है, आइसो प्रोपाइलिडिन डाइक्लोराइड। अगर मुझे आईयूपीएसी नेम देने हैं तो डायहेलोजन अल्केन के फॉर्म में ही देते, डायहेलोजन, तो फर्स्ट कार्बन पे दो क्लोरीन है, सेकंड यानी ये हो जाएगा आईयूपीएसी नेम में 1,1-dichloroethane, ये आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, सेम वे यहां पे अगर देंगे तो 1,1-dichloropropane। ठीक है, ये भी आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। सेम वे यहां पे 1,2,2-dichloropropane, ये भी आपका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। सिमिलर सेम कार्बन पे दो सिमिलर हैलोजन ग्रुप आते हैं, अगर अगल बगल कार्बन पे दो सिमिलर ग्रुप आते हैं तो उसे विसिनाल बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो, बहुत ही आसान एग्जांपल, CH2, CH2, Cl, Cl, ये विसिनाल डायहैलाइड हो जाएगा, इसे नेम विसिनाल डायहैलाइड भी बोलते हैं, इसका नेम है विसिनाल डायहैलाइड। ठीक है, शॉर्ट में इसको विस लिखते हैं, विस डायहैलाइड। अच्छा, अब दो कार्बन है तो अल्काइल में दो कार्बन वाला पार्ट यानी इथाइल, अल्काइल में दो कार्बन वाला पार्ट यानी इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड्स, ये हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड्स। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है CH3, CH, CH2, यहां पे Cl, यहां पे Cl, तो ये प्रोपाइलिन ग्रुप हो गया आपका, प्रोपाइलिन ग्रुप हो जाएगा ये। क्लियर, इसका नेम कैसे देंगे, प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। ठीक है, अब यहां पे एन वाला वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि 1 डिग्री पे भी है, 2 डिग्री पे भी है, यानी 1-isonio ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, ये अलग अलग कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड ही लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा एन लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज इट्स डायरेक्टली प्रोपाइल। हाँ, ये चीज कहा नहीं, अगर एन आइसो एन आइसो नियो का देखना हो तो उसका एग्जांपल सबसे बेस्ट ये वाला आप ले सकते हो, CH3 यहां पे सी, CH2 यहां पे CH3, ये BR है और ये BR ग्रुप है, मान लीजिए
सोचो इसका नेम क्या देंगे, चार कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल हो जाएगा। लेकिन मेन ये प्राइमरी वाला कार्बन है 1 डिग्री, इसके बाद के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए ये आइसो हो जाएगा, अब ये आइसो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे एन नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा ग्रुप हो तो एन आइसो नियो हमें मेंशन करना है, ये आइसो। तो ये हो गया आपको आइसो ब्यूटाइल, ये नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल लिन डायब्रोमाइड्स। ठीक है, आइसोब्यूटाइलिन डायक्लोराइड। आईयूपीसी नेम कैसा देंगे, इथाइलिन डाइक्लोराइड का है 1.1 डाइक्लोरो 1.2 सॉरी डाइक्लोरोइथर, ये इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 कार्बन और इसको 2 कार्बन दे दो, या 1 2 जो भी है, यहां पे काउंटिंग 1 2 3 इसलिए ये हो जाएगा 1.2 डाइक्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो 1.2 डाइब्रोमो, ये हो जाएगा 1.2 डाइब्रोमो, फिर 2 पे मिथाइल है ना, सेकेंड पे मिथाइल ग्रुप भी है देखो, और प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। क्लियर, तो अगर डायहैलोजन कंपाउंड है तो आपको देखना है कि अल्काइलिडिन हैलाइड्स है या अल्काइलिन हैलाइड्स है। अल्काइलिडिन हैलाइड्स है इसका मतलब एक ही कार्बन पे 2 सिमिलर हैलोजन, अल्काइलिन है तो एडजेसेंट अगल बगल बाजू वाले कार्बन पे सिमिलर हैलोजन ग्रुप होते हैं, आजू बाजू वाले कार्बन पे। ठीक है, तो इसे भी अच्छे तरह से छाप दो, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट, पोली हैलोजन कंपाउंड्स। पोली यानी एक दो तो हमने देख लिया डायहैलोजन, अब 2 से ज्यादा हो तो पोली हैलोजन कंपाउंड्स, पोली हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, पोली हैलोजन कंपाउंड्स, चलिए उसका नेम कैसे लेंगे, पोली हैलोजन। मान लीजिए कि 3 है CHX3, तीन CHX3, तो इसे हम बोलते हैं हैलोफॉर्म्स, इसका नेम होता है हैलोफॉर्म्स, आईयूपीएसी नेम हैलोफॉर्म। ठीक है, या फिर कॉमन नेम देना हो तो ट्राई अल्काइल ट्राई हैलाइड्स ऐसा बोल सकते हो, ट्राई क्लोरो सॉरी ट्राई क्लोरो, यस अल्काइल ट्राई हैलाइड्स, हैलोफॉर्म्स बेटर है, या ट्राई हैलो कंपाउंड ट्राई हैलो मिथाइल। एग्जांपल ले CHCl3 CHBr3 CHI3, हैलोफॉर्म में अगर C है तो क्लोरो, B है तो ब्रोमो, I है तो आयो, नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म एंड आयोफॉर्म। ठीक है ना, सिंपल, हेलो की जगह क्लोरो, यानी ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोमिथेन भी बोलते हैं इसे, ट्राई क्लोरोमिथेन भी बोला जाता है। ठीक है, मिथाइल ट्राई क्लोराइड, चलिए क्लोरो पता ही आपको, बेहोश करने के लिए किडनैप करना हो क्लोरोफॉर्म ले जाओ, सुंदा दो ठीक है आ जाओ, फिर ऐसा नहीं करना है, हमें पढ़ना है बहुत आगे जाना है, ये सारी चीजें खत्म कर दो, ये हो गया ब्रोमोफॉर्म, या फिर ट्राई ब्रोमोमिथेन ऐसा दे सकते हो, ये हो जाएगा ट्राई सॉरी आयोडोफॉर्म, इसे बोला जाता है आयोडोफॉर्म। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सा कंपाउंड है, आयोडोफॉर्म टेस्ट आती है, ट्राई आयोडोमिथेन। ठीक है, आयोडोफॉर्म करके एक टेस्ट होती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत ही यूज होता है आयोडोफॉर्म, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि गिवन अल्कोहल है या ऐसा कुछ, टेस्ट हम बाद में देखेंगे। अगर CCl4 है, मान लीजिए सॉरी CX4 है, तो कार्बन टेट्रा हैलाइड्स या टेट्रा हेलो कार्बन, कार्बन टेट्रा हैलाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम सिस्टम में जाएगा, या फिर टेट्रा हेलो कार्बन, ये हो जाएगा आपका आईयूपीएसी नेम। जैसे CCl4 ले लो, बढ़िया सा एग्जांपल है। ठीक है, CCl4 टेट्रा क्लोरो मिथेन, राइट, कार्बन नहीं अल्केन सॉरी, है ना, टेट्रा क्लोरो मिथेन।
टेट्राब्रोमोमीथेन, टेट्राएरोमीथेन एक्सेट्रा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो गया पॉलीहैलोजन कंपाउंड। ये है पॉलीहैलोजन। नेक्स्ट है पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड्स, पॉलीमिथाइलिन कंपाउंड ये कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मैंने डाइहेलो कंपाउंड स्टडी किया तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ कुछ चीजें आई होगी, कुछ कुछ चीजें उनके दिमाग में आई होगी कि डाइहेलोजन कंपाउंड में अगल बगल हो या सेम कार्बन। मान लीजिए एक छोड़ के हो तो, मान लीजिए तीन छोड़ के हो तो, है ना, तो उसका नेम कैसे देते हैं। ये सिस्टम में कुछ उसी तरह के कंपाउंड हम लोग देखने वाले हैं। ये सिस्टम मान लीजिए कि लास्ट एंडिंग, ये जो एग्जांपल मैं आप दे रहा हूं ना, ये ऐसे एग्जांपल है जहां पे हेलोजन एंडिंग यानी फर्स्ट और लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द चेन। क्लियर, टर्मिनल ग्रुप्स ऐसा बोल सकते हैं। सीएल सीएच टू सीएच टू सीएच टू सीएल, ये एक एग्जांपल है। या फिर आप ले लो बी आर सीएच टू सीएच टू सीएच टू सीएच टू बी आर, ऐसा एग्जांपल ले लो, आयोडीन ले लो, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझो, अगर सी एच फोर है तो इसे हम लोग नेम देते हैं मिथाइल। जब सी एच फोर का एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो वो हो जाता है मिथाइल और एक फंक्शनल ग्रुप लग जाता है। एक और एच निकाल दो अल्केन के सी एच थ्री में से तो वो हो जाएगा मिथाइलिन। तो ये मिथाइलिन वर्ड यहां से आया। तो देखो ध्यान से, यहां पर तीन मिथाइलिन ग्रुप है, तीन मिथाइलिन ग्रुप है, नीचे देखो ध्यान से चार मिथाइलिन ग्रुप है। ये एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल में बहुत काम आता है, ये बहुत यूज होता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, ठीक है तो ही हैलोजन, तो नेम कैसे देंगे। तो तीन मिथाइलिन ग्रुप है इसलिए ये हो जाएगा ट्राई मिथाइलिन क्लोराइड, इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम तो आप देख सकते हो, 1 2 3 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है 1 3 डाइक्लोरोप्रोपेन। अच्छा इसमें चार है यानी कॉमन नेम हो जाएगा टेट्रा मिथाइलिन क्लोराइड, ये कॉमन ब्रोमाइड सॉरी ये कॉमन नेम हो जाएगा। अच्छा इसका आईयूपीएसी नेम लिखना हो तो 1 2 3 4 चार, यानी ये हो जाएगा 1.4 डाइब्रोमो ब्यूटाइन। पॉलीमिथाइलिन यानी एक से ज्यादा मिथाइलिन ग्रुप हो तो कॉमन नेम कुछ इस तरह से दिया जाता है। दिस इज द वे यू कैन गिव द कॉमन नेम्स ओवर हियर। ये चीज बहुत आसान है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। एक और हम लोग करने वाले, मान लीजिए आपको बहुत सारे हेलोजन, हाइड्रोजन है नहीं सारे हेलोजन है, तो उसे पर हेलोफॉर्म कहते हैं, पर थरली थ्रू आउट चेन फ्लोरीन ही है, थ्रू आउट चेन फ्लोरीन ही होते हैं, इसे पर हेलोफॉर्म कहते हैं। पर पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में ये पार्ट आता है, ठीक है, पर हेलो हाइड्रोकार्बन। तो पर हेलो, अरे यूज नहीं चल रही है, पर हेलो हाइड्रोकार्बन, पर हेलो हाइड्रो, एक एग्जाम्पल देता हूं, चलिए CF2 CF3 CF2 CF3 कैसा है, ध्यान से देखो CF3 CF2 CF3 फुल्ली हैलोजिनेटेड कंपाउंड है, फुल्ली पर वर्ड क्यों यूज किया है यहां पे, उसका रीजन है ये प्रोपेन था CH3 CH2 CH3, दिस वॉज अ प्रोपेन ओवर हियर, ऑल द हाइड्रोजन आर रिप्लेस बाय फ्लोरीन, यहां पे तीनों हाइड्रोजन फ्लोरीन ने रिप्लेस कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहां पे दोनों हाइड्रोजन फ्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किए, यहां पे भी तीनों हाइड्रोजन फ्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिए, इसलिए यहां पे पर यानी तरल, थ्रू आउट, पर का मतलब यहां पे ले सकते हो थ्रू आउट, तरल हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, तरल हाइड्रोजन ग्रुप इज प्रेजेंट, इसलिए यहां पे पर वर्ड यूज किया, और नेम देते वक्त भी इसको पर वर्ड ही यूज करके नेम देंगे, इसका नेमिंग भी क्लियर, पर इसका नेम होता है पर फ्लोरो प्रोपेन, पर फ्लोरो प्रोपेन, बहुत ही आसान है,
ठीक है, पर फ्लोरो प्रोपेन में, समझ में आया, पर फ्लोरो प्रोपेन। अच्छा ये कॉमन नेम ले सकते हो, इसका एक्चुअल आईयूपीएसी नेम क्या होता है, तो कितने हेफ्लोरिन है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ फ्लोरिन देखो 8 है, नंबरिंग लेने की जरूरत नहीं सभी कार्बन पे, इसलिए इसका नेम हो जाएगा ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन। ये भी नेम देख सकते हो, बोथ द नेम्स आर वैलिड नॉमेनक्लेचर। ये जो है ये ऑक्टा वाला, ये आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ऑक्टा फ्लोरो प्रोपेन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी जब एग्जाम में मान लीजिए एमसीक्यू में दे देते हैं कि इसका नेम क्या है, ये ए है, ये बी है, सी बोथ ए एंड बी, ऐसा दे देते हैं, या फिर डी होता है कि नन ऑफ दिस, तो ये करेक्ट है, बोथ ए एंड बी राइट। व्हाट इज द नेम, नेम बोला है, तो ये पॉली हैलोजन कंपाउंड जिसमें तीन हैलोजन, चार हैलोजन होता है, सी एक्स फोर, भाई फोर होता है, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, ये पॉलीमिथाइलिन, एक से ज्यादा मिथाइलिन ग्रुप है, टर्मिनल कार्बन पे सेम हैलोजन आते हैं ये, और ये है सारा हाइड्रोजन, अगर हैलोजन सब्स्टिट्यूट कर ले तो पर हैलो कंपाउंड होता है, ठीक है, ये कर लो। अब हैलो अरेंज बाकी रहा है वो हम फटाफट खत्म कर देते हैं, चलिए नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो अरेंज। तो ऑलमोस्ट हम लोग वीडियो लेक्चर खत्म के करने के करीब आ गए हैं, हैलो अरेंज का नेम कैसे देंगे, हैलो अरेंज यानी बेंजीन सिस्टम में से हाइड्रोजन निकाल के हैलोजन जोड़ दो, सिंपल है, बेंजीन सिस्टम होती है ना, बेंजीन सिस्टम मान लीजिए कि ये बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन में 6 कार्बन, तो मैं ये कार्बन ले लेता हूं, सॉरी ये हाइड्रोजन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, उसमें से एक हाइड्रोजन ले लेता हूं, ये हाइड्रोजन को मान लीजिए कि सीएल सब्स्टिट्यूट करता है और हाइड्रोजन निकाल देता है, ठीक है, तो हो जाएगा ये वाला पार्ट सीएल, इसे बोलते हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन, हैलोबेंजीन नेम इसका, यानी ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है। अच्छा सेम ग्रुप अगर सेकंड थर्ड फोर्थ पे हो, यानी सीएल मान लीजिए, सीएल कुछ ऐसा लिखो मैं, चलिए कुछ एग्जांपल कर लेते, मजा आएगा आपको, ये बीआर ले लेता हूं, ये बीआर ले लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पे मैं कुछ इस तरह से करता हूं, ये सीएल ले लेता हूं, ये सीएल ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, मान लीजिए ये सीएल है और यहां पे मैं बीआर कर देता, ठीक है, कुछ ये कुछ कुछ सिंपल से एग्जांपल हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखो, चलो मान लीजिए कि सी एच थ्री है एंड दिस इज योर सी एल ग्रुप, यहां पे सी एल है, मान लीजिए कि बी आर, तीन बी आर ग्रुप दे दो, ठीक है, और यहां पे भी बी आर, यहां पे भी बी आर, ठीक है, ओके फाइन, सो ये सारे नेमिंग दे देते, सिंपल है, बीआर और बीआर, दो बीआर यानी डाइब्रोमोबेंजीन, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हो, ये तो आपको पता ही है, 1-2 पोजीशन को ऑर्थो बोलेंगे, 1-3 पोजीशन को मेटा और 1-4 पोजीशन को पैरा, तो 1-2 डाइब्रोमोबेंजीन या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन जो भी हो दे दो, 1-2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये भी राइट है, ठीक है, या फिर ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ये भी राइट, ये क्या होगा 1-4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये राइट है, ठीक है, पैरा भी लिख दो चलेगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दैट्स आल्सो ट्रू। अब यहां पे देखो किसका नेम देंगे, क्लोरोब्रो और तो पैरा, ऐसा नहीं, बीआर कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट, क्यों फर्स्ट मैंने लिया बीआर को, क्योंकि नेमिंग में पहले बी आता है अल्फाबेटिकली, ए बी सी, बी सी यानी बी पहले फिर सी, इसलिए बी का कार्बन नंबर 1 कार्बन, ये 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा 1-bromo-3-chloro-benzene, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, यानी यहां पे भी हमें अल्फाबेटिकल रूल अप्लाई करना है, ये ले लो, ये भी सेम अल्फाबेटिकल रूल, यहां पे सीएल क्लोरो मिथाइल एम, सी पहले आता है फिर एम, इसलिए नेमिंग में पहले ये वन, तो आप दे दो ना 1-chloro-3-methyl। अच्छा अगर बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप है तो उसे टॉल्यूम भी बोलते हैं बेसिकली, तो इसे ऑर्थो क्लोरो टॉल्यून नेम भी दे सकते हो, इट्स नॉट रॉन्ग, ये भी राइट है, ये कोई गलत नहीं, ठीक है, ये कोई गलत नहीं, लेकिन आईयूपीएसी नेम में सीएल पहले देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1-chloro, ठीक है, 3-methyl-benzene, ये होगा।
1, 3, 5, ये फर्स्ट पोजिशन, ये थर्ड पोजिशन, ये फिफ्थ पोजिशन, ये हो जाएगा 1, 3, 5. चलिए एक और चीज नोट करो, वन फिर कार्बन, वन फिर कार्बन, वन फिर कार्बन, यानी ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज अ सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसे सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन भी बोला जाता है। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, सिमेट्रिक कब होता है, जब अल्टरनेट एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन छोड़ के अगर सारे सेम ग्रुप हो तो वो सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक हो गया इसलिए इसे सिमेट्रिकली नेम देके सिम ट्राइब्रोमोबेंजीन भी दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हैलोजन्स, कुछ इस तरह से आप दे सकते हो आई गेस। लेकिन कुछ और स्पेशल केस है जो हम लोग करने वाले हैं, स्पेशल केस कुछ और चीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन सी यहां पे क्लोरीन वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, यहां पे क्लोरीन वाला जो कार्बन है ये sp3 है, लेकिन उसके बाद का जो कार्बन है sp2। ठीक है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एलोकेन्स एलोरिन्स, अगर हेलोजन वाला कार्बन sp2 होता है तो वो विनाइल ग्रुप होता है, इसलिए इसे विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, दिस इज योर विनाइल क्लोराइड। ठीक है सर, दो अगर मैं 3 कर दूं तो अब वो विनाइल नहीं रहेगा, अब उसको नेमिंग उस हिसाब से डबल बॉन्ड सीएल कंसीडर, यानी सिर्फ 2 कार्बन है। सेम नहीं, यहां पे अगर कार्बन जो हेलोजन वाला कार्बन sp3 होता है लेकिन उसके बिल्कुल बगल वाला कार्बन sp2 होता है तो वो अलाइल होता है, इसलिए ये हो गया आपका अलाइलिक क्लोराइड, ये है विनाइलिक क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड, अलाइलिक क्लोराइड, जो भी अलाइल क्लोराइड लेगा। मान लीजिए कुछ और स्पेशल केस दे रहा हूं, अब एरोमेटिक के पार्ट पे जा रहा हूं, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH2 है और जब CH2 के साथ हेलोजन है, यानी यहां पे हेलोजन जो है वो एलिफेटिक कार्बन से जॉइंट है और ये एलिफेटिक कार्बन बेंजीन से जॉइंट है और वो एलिफेटिक कार्बन भी वापस मिथाइलिन है, मिथाइलिन एक कार्बन वाला, तो उसे बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। अब चाहिए आप एक क्लोरीन ले लो तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमीन ले लो, यानी हेलोजन सीधे सीधा बेंजीन से जॉइंट नहीं है, इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक हैलाइड नहीं है। ठीक है, ये एल्फेटिक कार्बन से जॉइंट है, ये मिथाइलिन से जॉइंट है, वो बेंजीन से जॉइंट है, इसलिए बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक क्लोराइड, बेंजाइलिक ब्रोमाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। मान लीजिए 2 हेलोजन ग्रुप, CH2 की जगह CH, X और X, 2 हेलोजन ग्रुप है लेकिन दोनों हेलोजन एलिफेटिक कार्बन से है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये हो जाएगा बेंजोडाइहैलाइड्स। अगर क्लोरीन है तो बेंजोडाइक्लोराइड, ब्रोमीन है तो बेंजोडाइब्रोमाइड, एडिन है तो बेंजोडाइहैलाइड। ठीक है, बेंजा, सॉरी बेंजाल, बेंजाल नॉट बेंजो, बेंजाल, बेंजाल डाइहैलाइड्स, क्लोरीन है तो बेंजाइल डाइक्लोराइड, ब्रोमीन है बेंजाइल ट्राइक्लोराइड, डाइक्लोराइड एक्सेट्रा, ब्रोमीन है क्लोरीन, उस हिसाब से। अगर मान लीजिए कि कार्बन के तीनों हाइड्रोजन की जगह हेलोजन डाल दो बेंजीन के ऊपर, यानी अगेन सेम थिंग, ये तीनों हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू बेंजीन, ये पहले एलिफेटिक सिस्टम से कनेक्टेड है और ये एलिफेटिक बेंजीन से जॉइंट है मिथाइलिन का। ठीक है, मिथेन के कार्बन, एक कार्बन वाला मिथेन, तो इसे बोलते हैं बेंजो ट्राइहैलाइड्स। अगर क्लोरीन है तो बेंजो ट्राइक्लोराइड, ब्रोमीन है तो बेंजो ट्राइब्रोमाइड, आयोडीन है तो बेंजो ट्राइआयोडाइड। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केसेस जो आपको याद रखना है, तो इसको भी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग से लिख दो। ठीक है, पॉज करें, बहुत ही आसान है, यहां पे पूरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर खत्म हो रहा है, अब जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है वो आप खुद से ट्राई करो, आपको नेमिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खत्म कर रहे हैं ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और ढेर सारे हैलोजन्स एलोरिन्स के क्वेश्चंस लेके आने वाले, टॉपिक लेके आने वाले, सो बने रहिएगा मेरे साथ, एंड यस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज प्लीज बी सेफ, स्टे एट होम एंड अच्छे से पढ़ाई करिएगा। क्लियर, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस टाइम।